कांग्रेस नेता और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। आलम को कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। आलमगीर आलम को उनके सहायक से जुड़े परिसर से नकदी बरामद किए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें रिमांड को लेकर आज कोर्ट में पेश किया था। दरअसल ईडी ने 6 मई को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम से जुड़े परिसरों पर छापा मारा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जब्त की थी। मामले पर आलमगीर आलम ने क्या कहा? आलमगीर आलम ने ईडी के दावे पर हाल में ही कहा था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं संजीव कुमार लाल की गतिविधियों के बारे में नहीं जानता। आलमगीर आलम को लेकर ईडी का क्या दावा है? सितंबर 2020 का मनी लॉन्ड्रिंग मामला झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के मामले और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मार्च 2023 में राज्य ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व अभियंता वीरेंद्र कुमार राम और कुछ अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से संबंध है। राम को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया था कि राम निविदा आवंटन और काम के निष्पादन में कमीशन जुटाता था और 1.5% का कमीशन अपने वरिष्ठों और नेताओं को बांटता था। ईडी अब तक किन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है? ईडी राज्य के रसूखदार लोगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है और ये पिछले 3 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आईएएस अधिकारी छवि रंजन और पूजा सिंघल के अलावा राजनीतिक रूप से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। छापेमारी में 37 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। बता दें, आलमगीर आलम को ईडी ने मंगलवार को 9.5 घंटे और बुधवार 15 मई को 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनके पीएस संजीव कुमार लाल, घरेलू सहायक जहांगीर आलम और अन्य करीबियों के ठिकानों से 6 और 7 मई को की गई छापेमारी में 37 करोड़ रुपए बरामद किए थे। पूछताछ और जांच में ईडी ने पाया कि इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम की सीधी संलिप्तता है, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आलमगीर आलम झारखंड सरकार के कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत वाले मंत्री हैं। वो झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। ईडी ने उनके पीएस संजीव कुमार लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम को 8 मई से रिमांड पर लिया हुआ है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है।